नमस्कार, मेरा नाम शिव साजन है। आप देखना शुरू कर रहे हैं नेशनपुर। आज मैं यहाँ पे एक सिंपल से डिश शेयर करने वाला हूँ, पुलाव। आप पुलाव का नाम सुनते सुनते बोलेंगे, यार हम तो पुलाव देखे हैं बहुत सारे, लेकिन मैं यहाँ पे आज जो पुलाव बनाऊँगा वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत ही टेस्टी है। वो फिर मिलेट से लेके, मिलेट कश्मीरी पुलाव। तो अगर मिलेट के बहुत सारे रेसिपी आपको चाहिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जितना भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपके पास पहुँच जाए। तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए, कर लिए ठीक है। तो चलिए बनाते हैं मिलेट कश्मीरी पुलाव, लेकिन म्यूजिक के उस पार। यहाँ पे मैं कश्मीर पुलाव बनाने के लिए मैं यहाँ पे फॉक्सटेल मिलेट लिया हूँ, और ये फॉक्सटेल मिलेट बहुत ही अच्छा है। अगर देखा जाए इसमें बहुत अच्छा प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है और कैल्शियम है, और फाइबर से भरपूर है ये फॉक्सटेल मिलेट। अगर राइस का सब्स्टिट्यूट किसको बोला जाए तो फॉक्सटेल मिलेट है। आप जब भी फॉक्सटेल मिलेट या कोई सा भी मिलेट बनाते हैं उसको एक दो पानी में अच्छे से धो लीजिए, बहुत ही अच्छा होता है। मैं यहाँ पे दो तीन पानी में वॉश कर लिया हूँ। अभी क्या करना है, मैं यहाँ पे हाफ कप मिलेट लिया हूँ, तो मैं यहाँ पे एक कप वाटर लूँगा, मतलब टू हाफ कप वाटर। यहाँ पे इसको आड़ करके इसको सोक करने छोड़ देता हूँ कम से कम 6 to 8 hours या ओवरनाइट। अभी इसको सोक करने में छोड़ देते हैं, ये यहीं पे रहने दीजिए। ये देखिए मेरा हो गया है मिलेट पूरे सोक हो गया है। अभी क्या करना है, ये जो वाटर है इसको ड्रेन कर लेते हैं, लेकिन ये वाटर को हम थ्रो नहीं करेंगे, इसी से ही मिलेट बनाएंगे ठीक है। मिलेट में फाइबर रहने के कारण इसको सोक करना ज़रूरी होता है। अगर सोक नहीं करेंगे क्या होता है, पेट में थोड़ा गड़बड़ी होता है, इसी की वजह से इसको सोक करना ज़रूरी होता है, ताकि आपको भरपूर मात्रा में इसका फ़ायदा मिल सके मिलेट का। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सॉस पैन में थोड़ा सा घी लूँगा और क्यूमिन सीड लूँगा। अभी मेरे पास है गरम मसाला होल स्पाइसेस, इसको भी आर कर दूँगा, और ये सबको आर करके इसमें डाल देते हैं। अभी क्या करना है, थोड़ा सा इसको फ्राई कर देते हैं, और फिर इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स डालूँगा। मेरे पास है चॉप किया हुआ आलमंड है, किशमिश है, काजू है और अखरोट है। इसको थोड़ा से सौते कर लेते हैं। अभी क्या करेंगे, मिलेट को इसमें ऐड कर देंगे, ताकि मिलेट घी के साथ कोटिंग हो जाएगा और आपका जो मिलेट सौगी होता है वो समस्या का समाधान भी हो जाएगा। अगर मिलेट को आप 2-3 मिनट अच्छे से भून लेते हैं घी के साथ, आपका मिलेट सौगी नहीं होगा। जिस पानी पे मैं सोक किया था उसी पानी को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ मिलेट पकाने के लिए। देख लीजिए मैं यहाँ पे वही पानी ही यूज किया हूँ। अभी क्या करना है, इसमें हिमालय पिंक सॉल्ट ऐड करेंगे, और फिर इसको पकाएंगे। तो फिर क्या करेंगे, इसको ढक्कन दे देंगे और फिर 10 से 12 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम में कुक करेंगे। अभी देख लीजिए ये लगभग 70% हो गया है। अभी इसमें
आर करेंगे जागरी, लेकिन ये जो जागरी है बहुत ही अच्छा जागरी होता है और ये ऑर्गेनिक होता है। ये बहुत ही बेहतरीन जागरी है। अगर आपको ऑर्गेनिक जागरी मिल जाता है तो आप ज़रूर यूज कीजिए, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और इसमें थोड़े से जागरी आर कर देते हैं। और फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, थोड़े से सैफ्रन मिल्क ऐड कर देते हैं। मैं सैफ्रन को 2 स्पून मिल्क में भिगो के रखा था, अभी इसको ऐड कर देता हूँ। जैसे आप कश्मीर राइस का पलाव का टेस्ट लगता है, सेम ऐसे ही ये पलाव का टेस्ट लगेगा और उससे भी बेहतरीन लगेगा। और ये 100% ग्लूटेन फ्री हो जाएगा आपके लिए। आप स्क्विच कर सकते हैं कश्मीर पलाव के जगह कश्मीर मिलेट पलाव का, और इसको 10 से 15 मिनट स्लो फ्लेम में पूरा बनाएंगे। देखिए हमारा ये बन गया है और पूरा खिले खिले हो गया, सॉगी नहीं बना है। इसलिए नहीं बना है क्योंकि हम लोग जब मिलेट को घी के साथ रोस्ट किए ना, तभी हमारा मिलेट पूरा खिल गया है। और इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा से अनार का दाना और थोड़े से एप्पल, और बाकी एप्पल को थोड़ा रखते हैं, गार्निशिंग करते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा तरीके से बन गया है, और इसको मिक्स कर देते हैं। अभी प्लेटिंग करते हैं। बहुत ही शानदार से खुशबू आ रहा है और एक मीठी से खुशबू आ रहा है। आप ट्राई कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके रिलेटिव के साथ। ये रेसिपी बहुत ही अच्छा है। अगर कहीं भी आपको दिक्कत आता है तो आप मेरे को नीचे कमेंट कीजिए, तो मैं आपको ज़रूर इसके बारे में और भी जानकारी दे पाऊँगा। बन के तैयार है मिलेट कश्मीरी पुलाव। ऐसे ही हेल्दी और टेस्टी डिशेस देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले बहुत सारे हेल्दी और टेस्टी डिशेस आपको मिल जाएंगे। जय हिंद।